अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं और पीने के लिए पानी की बोतल खरीदते हैं, तो उस बोतल को खाली करने के बाद यूं ही कहीं भी फेंक मत दीजिए, बल्कि अपने पास संभाल कर रख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खाली बोतल का आप क्या करेंगे, तो इस तरह से आप प्रदूषण के खतरे से तो अपने देश को बचाएंगे ही, साथ ही आपकी जेब की सेहत के लिए भी बेहतर सौदा साबित हो सकता है। चौंकिए मत, दरअसल इसी 2 अक्टूबर से मोदी सरकार एक अनोखी पहल करने जा रही है, जिसके तहत आपको प्लास्टिक की बोतल के बदले मोबाइल रिचार्ज की सुविधा दी जाएगी। पीएम मोदी ने कसम खाई है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने की, और आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर वो एक बार किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो रेलवे की तरफ से भी इस बाबत एक पहल की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर 400 ऐसी मशीनें लगाई जा रही हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट करेंगी। रेल यात्री पानी की बोतल को नष्ट करने के लिए इन मशीनों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इसके बदले मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दिया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को अपना मोबाइल नंबर मशीन में डालना होगा और उसके बाद पानी की बोतल को। मशीन बोतल को नष्ट कर देगी और आपका मोबाइल फोन एक निश्चित राशि के बराबर खुद ब खुद रिचार्ज हो जाएगा। एक बोतल नष्ट करने के बदले आपको कितनी राशि का रिचार्ज मिलेगा, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। शायद ये खुलासा 2 अक्टूबर के दिन ही रेलवे करेगा।